अब सेक्शन डी का क्वेश्चन 33 के और वाला पार्ट देखिए, क्या कह रहा है। द सम ऑफ सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेयर एंड ए क्यूबॉइड विद साइड्स एक्स बाई थ्री एक्स एंड टू एक्स सो दैट सम ऑफ देयर वॉल्यूम्स इज मिनिमम। उनका जो सम ऑफ सरफेस एरियाज है वो यहाँ पर गिवन है, आपको गिवन दे रखा है। तो उनके आपको सम को क्या दिखाना है, वॉल्यूम के जो सम है उसको मिनिमम दिखाना है व्हेन एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर। मतलब जो आपका एक्स है वो 3 टाइम्स होगा रेडियस ऑफ द स्फीयर। तो यहां पर मैं मान लेता हूं लेट आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर। आर जो है वो रेडियस ऑफ स्फीयर है। लेट एस डिनोट्स द सरफेस एरिया, या फिर एस डिनोट द सम ऑफ सरफेस एरिया। तो दोनों का सम क्या हो जाएगा सरफेस एरिया का, भाई स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वेयर, और इसका होता है 2 इंटू LB, जहां पर L है आपका x बाई थ्री इंटू एक्स प्लस BH यानी x इंटू टू एक्स प्लस HL यानी 2x इंटू x बाई थ्री। अब यहां पर आप इसे सॉल्व कर लें, 4 पाई आर स्क्वेयर s प्लस 2 इंटू, ये हो गया x स्क्वेयर बाई थ्री प्लस 2x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर बाई थ्री। यहाँ एलसीएम ले लेंगे, एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस 2 इंटू 3, एलसीएम आ गया, x स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर प्लस 2x स्क्वेयर यानी ये हो गया 9x स्क्वेयर। सो ये आ गया 2 इंटू 9x स्क्वेयर बाई 3। तो यहाँ पे आ जाएगा एस इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर। ये हमें यहाँ पर क्या दे रखा है, आपका सम ऑफ देयर सरफेस एरियाज, और ये गिवन है। गिवन होने का मतलब है कि ये जो पूरी वैल्यू आएगी ये सम के कांस्टेंट के बराबर आएगी, यानी 4 पाई आर स्क्वेयर प्लस 6x स्क्वेयर सम के बराबर होगा। गिवन होने का मतलब यही तो होता है कि कांस्टेंट दे रखा है। यहां से आर निकाल लो, 4 पाई आर स्क्वेयर के माइनस 6x स्क्वेयर, 4 पाई को यहां ले जाओ, के माइनस 6x स्क्वेयर अपॉन 4 पाई। तो यहां से आर आ जाएगा रूट ऑफ के माइनस 6x स्क्वेयर अपॉन 4 पाई, ये आर आ गया। अब मिनिमम हमें किसको करना है, वॉल्यूम को। लेट वी डिनोट द सम ऑफ वॉल्यूम, वी सम ऑफ वॉल्यूम को दिखाता है। तो वी किसके बराबर हो जाएगा, भी स्पेयर का वॉल्यूम होता है 4 बाई 3 पाई आर क्यूब, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है LBH यानी एक्स बाई थ्री इंटू एक्स इंटू टू एक्स। तो ये कितना हो गया, 4 बाई 3 पाई। आर की वैल्यू हमने निकाली वो है के माइनस 6x स्क्वेयर बाई 4 पाई की पावर 1/2, और इसकी पावर 3 होगी तो पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी, यानी यहाँ आर रखोगे तो वैल्यू बन जाएगी के माइनस 6x स्क्वेयर बाई 4 पाई की पावर 3/2, और यहाँ पे आ गया 2/3 x³। अब इसको मैक्सिमम या मिनिमम प्रूव करने के लिए हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पे क्या होगा, dv ओवर dx इज इक्वल टू 4/3 पाई। यहां पावर आगे आएगी, पावर में से एक कम होगा का रूट बचेगा, पावर 1/2 बचेगी। तो फिर इसका करेंगे तो 1/4 पाई कांस्टेंट है,
k का 0 और इसका हो जाएगा माइनस का 12x प्लस इसका होगा 2/3 इंटू 3x स्क्वायर। 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी 3 से 3, यहाँ 4π से 4π और 2 से ये माइनस 6x टाइम हो गया। तो यहाँ वैल्यू क्या आ रही है, dv ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ आ रहा है माइनस का 6x इंटू रूट के माइनस 6x स्क्वायर बाई 4π प्लस 2x स्क्वायर। ये आ गया इसका डिफरेंशिएशन। फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा हम इसको 0 के बराबर रखेंगे, फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा इस dv ओवर dx को 0 के बराबर रख दो। तो यहां से माइनस 6x k माइनस 6x स्क्वायर अपॉन 4π और इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां माइनस 2 से ये 3 टाइम, x से ये 1 पावर बची और ये वाली वैल्यू देखो किसके बराबर है, ये r के बराबर है। तो मैं इसकी जगह r लिख सकता हूं, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3r आ गई। अब x की वैल्यू हमें 3r मिल गई, हमें वॉल्यूम को मिनिमम दिखाना है। तो वॉल्यूम को मिनिमम दिखाने के लिए मैं इसका डबल डेरिवेटिव को ग्रेटर देन 0 दिखा दूं तो मिनिमम हो जाएगी बाय डबल डेरिवेटिव टेस्ट। तो इसका डबल डिफरेंशिएशन करें, यहां इसका इसको कुछ नाम दो, आप इसको नाम दे दो फर्स्ट सेकंड, डिफरेंशिएटिंग सेकंड अगेन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां देखो माइनस 6 और इस पर अलग से रूट लगा ले हम, इसको अलग लिख सकते हैं, तो माइनस 6 अपॉन रूट 4π ये मैंने बाहर लिख लिया। अब इन दोनों में प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहां पे मैं लगाता हूं x से इसकी पावर आगे आएगी, तो यहां पे आ गया पावर 1/2 आगे आ गई। अब पावर में से एक कम करेंगे तो 1/2 में से 1 कम होगा, माइनस का 1/2 बन जाएगा, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए मैं इसे नीचे ले आता हूं 1/√k-6x2 और k-6x2 का डिफरेंशिएशन होगा k का 0 इसका माइनस का 12x, या फिर ऐसा भी कह सकते हो कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√x और अंदर वाली टर्म का यहां पर। अब ये यहां सेम होगा, रूट के माइनस 6x2 सेम होगा और x का क्या हो जाएगा 1 प्लस और दूसरे वाली टर्म क्या है 2x2, ये बन जाएगी 4x। यहां पर समझे 2 से 6 टाइम हो गया माइनस का 6x और रूट से 4 बाहर आ जाएगा 2 बन जाएगा और ये रूट पाई बन जाएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस 6 अपॉन 2 रूट पाई और यहाँ इसका हम एलसीएम ले लें दोनों का, तो एलसीएम में क्या आएगा हमारे पास, रूट के माइनस 6x2 और यहाँ तो टर्म सेम हो जाएगी, देखो माइनस 6x इंटू x कितना हो जाएगा माइनस 6x2, तो यहाँ तो आ गया माइनस 6x2, यहाँ ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी तो कितनी बन जाएगी, रूट इंटू रूट स्क्वेयर हो जाएगा, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, यानी k माइनस 6x2 प्लस 4x, यहाँ बन गया k माइनस 12x2 और माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो 6/√π, तो यहाँ ये k तो नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस का 12x2 प्लस का बन जाएगा और नीचे है रूट के माइनस 6x2 प्लस 4x। इस k की वैल्यू हम जानते हैं, इस k की वैल्यू हमारे पास है 4πr² प्लस 6x2, मैं रख दूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 12x² माइनस 4πr² माइनस 6x² अपॉन k की जगह हम रखेंगे
के की जगह हम रख देंगे यहाँ पर 4πr² प्लस 6x² माइनस 6x², 6x² से 6x² कैंसिल हो गया और यहाँ पे बचा 6x², और यहाँ पे 2 से 3 टाइम 3 अपॉन रूट पाई, यहाँ पे आ गया 6x² माइनस 4πr² अपॉन में यहाँ बचा रूट 4πr², तो यहाँ से 2 आ गया रूट पाई और आर स्क्वायर का आर हो गया प्लस 4x, ये हमने कर लिया इसको। अब हम x की वैल्यू रखें इसमें, एट x इज इक्वल टू 3r, तो एट x इज इक्वल टू 3r डी टू वी ओवर डी एक्स स्क्वायर। यहाँ पर देखो रूट पाई इंटू रूट पाई पाई हो जाएगा, 3 अपॉन पाई इंटू 2r, यहाँ पर है 6x², यानी ये बन जाएगा 9r², इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी यानी 50 हो जाएगा 54r² माइनस 4πr², और नीचे है हमारा ये हमने लिख लिया यहाँ पर प्लस, ये हो जाएगा आपका इंटू 3r इज 12r, दिस विल बिकम 12r। तो यहाँ से अंदर से आर स्क्वायर कॉमन आ सकता है 3/2 पाई, और यहाँ पे एक आर भी है, आर स्क्वायर अंदर से कॉमन ले लिया 54 माइनस 4π प्लस 12r, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया 3 अपॉन 2π इंटू आर, 54 माइनस 4π प्लस 12r। आप ध्यान से देखें विच इज़ ग्रेटर देन जीरो, ये ग्रेटर देन जीरो होगा। देखो पाई की वैल्यू आपकी होती है 3 point something, मतलब अगर इसको मल्टीप्लाई भी करोगे तो ये आपका 12 से 13 के बीच का कोई नंबर होगा, ये 54 है, मतलब इससे तो बहुत बड़ा है, ये पॉजिटिव रहेगा, ये भी पॉजिटिव, ये भी, और r नेगेटिव हो ही नहीं सकता है क्योंकि r क्या है, रेडियस ऑफ स्फेयर है विच कांट बी नेगेटिव। तो पूरी टर्म क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, ग्रेटर देन जीरो हो गई, दैट मीन्स वी इज मिनिमम, वी इज मिनिमम, और जो वी है वो मिनिमम कब हुआ है, वेन एक्स यानी साइड ऑफ क्यूबॉइड इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर, वी इज मिनिमम वेन एक्स इज 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ स्फीयर, ये स्फीयर की रेडियस के 3 टाइम्स है। तो सिंपली आपको इस तरीके से इस क्वेश्चन में प्रोसीड करना है, क्लियर हुआ है क्वेश्चन।